दोस्तों, मशीनों ने जीवन के हर क्षेत्र को बदल कर रख दिया है। आज के समय में बिल्डिंग बनाने और कंस्ट्रक्शन के काम में मशीनों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली कुछ आधुनिक मशीनें। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई ज़रूरी जानकारी ना छूट जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बी शेप बकेट। अपने खास डिजाइन के कारण ये बी शेप बकेट एक बहुत ही बढ़िया मशीन बन जाती है। नहर बनाना हो या नाला, इन सभी कामों को बिना किसी और मशीन के मदद के ये वी शेप बकेट अकेले ही पूरा कर सकता है। इस मशीन पर बने वी शेप के साइज को एडजस्ट किया जा सकता है, जिसके कारण गहरे या कम गहरे हर तरह के गड्ढों को बनाने में ये मशीन सक्षम है। इस मशीन की कार्य करने की क्षमता भी काफी अधिक है, जिसके कारण ये नहर बनाने का काम बड़ी तेजी से पूरा कर सकती है। गड्ढा करते हुए ये मशीन मिट्टी, पत्थर आदि को उठाकर किनारे कर देती है। मशीन का वी शेप कटर काफी शार्प है, जिसके कारण इस मशीन के द्वारा मिट्टी को काट कर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती। इस मशीन का निर्माण जापान की मशहूर कंपनी हिताची ने किया है, जिसके कारण ये मशीन बन जाती है पूरी तरह से भरोसेमंद। 2.8 मजदूरों द्वारा दीवार पर सीमेंट का प्लास्टर करने में बहुत अधिक समय लग जाता है और अच्छे से फिनिशिंग लाने में भी दिक्कत आती है। 2.8 नाम की यह मशीन दीवार पर प्लास्टरिंग के काम को बना देता है बहुत आसान। इस मशीन पर सिर्फ रेत और सीमेंट का मिक्सचर डालना है और इस मशीन को दीवार के साथ सही जगह एडजस्ट करना है। एक बटन दबाते ही ये मशीन अपना काम शुरू कर देती है। ये मशीन देखते ही देखते दीवार पर सीमेंटिंग का काम पूरा कर देती है। मशीन को दोबारा से नई जगह पर एडजस्ट करके फिर से बटन दबाने पर यह दोबारा से प्लास्टर कर देती है और इस प्रकार से पूरी दीवार की सीमेंटिंग का काम पूरा कर लिया जाता है। कंक्रीट रोलर। कंक्रीट रोलर नाम की ये मशीन बहुत साधारण सी दिखती है, लेकिन जमीन पर कंक्रीट को सीधा और समतल बनाने के लिए ये एक कमाल की मशीन है। मजदूरों द्वारा कंक्रीट को समतल बनाने में हमेशा दिक्कत आती है। हाथ से कंक्रीट को समतल बनाना कोई आसान काम नहीं है और फिर मजदूरों द्वारा इस काम को करते हुए कहीं ना कहीं जूतों या चप्पलों के निशान जमीन पर आ ही जाते हैं, लेकिन इस कंक्रीट रोलर की वजह से ये परेशानी बिल्कुल नहीं आती। मोटर की मदद से चलने वाले इस रोलर में दो लाभ हैं। एक तो ये रोलर भारी होने के कारण कंक्रीट को अच्छे से दबा देता है और इसके अलावा ये रोलर सतह को एकदम समतल बनाकर कमाल की फिनिशिंग देता है, और वो भी तेज गति से काम करते हुए। ट्रेंच मेकर। जमीन पर पानी की पाइप को बिछाना हो या गैस की पाइप को या फिर जमीन में नाला बनाना हो, ऐसे सभी काम को आसानी से पूरा करती है ये मशीन। इस मशीन पर लगे लोहे के पट्टे पर नुकीले दांत लगे हुए हैं, जो जमीन में से मिट्टी को खोद कर निकाल लेती है, और दूसरी ओर जैसे ही मिट्टी इस मशीन में जाती है, ये मशीन मिट्टी को मशीन से बाहर फेंकते हुए जमा कर लेती है, जिसके कारण जब गड्ढे को काम खत्म होने के बाद दोबारा से भरना हो, तब इसी मिट्टी से गड्ढे को दोबारा भर लिया जाता है। इस मशीन की काम करने की क्षमता भी कमाल की है, ये तेजी से गड्ढा बनाते हुए आगे निकल जाती है। ऑप्टिमस H88। फुटपाथ पर टाइलों को बिछाने के लिए ये एक बढ़िया मशीन है। सबसे पहले फर्श पर रेत को बिछा दिया जाता है और फिर रोबोटिक मशीन टाइलों के ढेर से टाइलों को उठाकर रेत वाली फर्श पर लगा देती है। भारी टाइलों को उठाने के लिए अलग से किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। ये मशीन बड़ी तेजी से टाइलों को लगाती हुई आगे निकलती है। इस मशीन के कारण मजदूरों की जरूरत भी कम से कम पड़ती है। ज
जर्मनी की कंपनी द्वारा तैयार की गई इस मशीन की दुनिया के अनेक देशों में भारी मांग है। एंटीगो रोड ब्रेकर। नई सड़क बनाने के लिए पुरानी सड़क को तोड़ना पड़ता है, इस काम के लिए बहुत ही बढ़िया है ये मशीन। इस मशीन में लगा हुआ है 8 फीट चौड़ा और 600 किलो का हथौड़ा, जिसे मशीन लगभग 9 फीट की ऊंचाई से पुरानी सड़क पर गिराती है, जिसके कारण सड़क टूट जाती है। इस मशीन में लगा हुआ है 140 हॉर्स पावर का डीजल इंजन, जो इसे देता है अच्छी खासी ताकत। मशीन सड़क को तोड़ते हुए आगे निकलती है। बड़े इलाकों में सड़कों को फिर से नया करने के लिए ये एक सही मशीन है। इस मशीन द्वारा सड़क तोड़ने का काम पूरा करने के बाद क्रेनों का प्रयोग करके सड़कों से टूटे हुए पत्थरों को अलग कर लिया जाता है और अब नई सड़क बनने लायक जगह बन जाती है। वॉल बिल्डर। दीवारों को बनाने के लिए ये एक ऑटोमेटिक मशीन है। ये मशीन बिल्कुल एक मजदूर की तरह एक एक ईंट पर सीमेंट लगाती है और फिर उससे दीवार बना देती है। एक रोबोटिक और ऑटोमेटिक मशीन होने के कारण दीवार बनाने का काम काफी तेज गति से होता है और साथ ही साथ दीवार की क्वालिटी भी बढ़िया आती है। ये वॉल बिल्डर मशीन अपने आप में इस प्रकार की अकेली मशीन है। ऊंचाई या कठिन जगहों पर जहां मजदूरों के लिए रिस्क रहता है, वहां पर दीवार बनाने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया मशीन है। वॉल मेकर। विदेशों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को बनाने के लिए बड़ी बड़ी ईंटों का प्रयोग किया जाता है। ये ईंटें काफी भारी होती हैं, इसलिए वॉल मेकर नाम की ये मशीन बहुत काम की है। ये मशीन ईंटों को आसानी से उठाकर सही जगह पर रखकर दीवार बनाने में सहायता करती है। ये मशीन ईंट को उठा लेती है और मजदूर ईंट के चारों ओर सीमेंट लगाकर उससे दीवार बना देते हैं। इस मशीन के बिना इतने भारी ईंटों से दीवार बनाने का काम हो ही नहीं पाता। देखिए पूरी बिल्डिंग को तेजी से बनाने में किस प्रकार से इस मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। ऑटोमेटिक पेंटिंग मशीन। दीवार और छतों पर पेंटिंग के काम को तेजी से करने के लिए प्रस्तुत है ये ऑटोमेटिक पेंटिंग मशीन। ये पूरी तरह से रोबोटिक मशीन है, जो पेंटिंग का काम बहुत तेज गति से पूरा करती है। जापान की कंपनी द्वारा तैयार की गई इस मशीन में रिचार्जेबल बैटरी लगी हुई है। एक बार रिचार्ज करके छोड़ने पर ये मशीन कमरों में दीवार से लेकर छत तक को पेंट कर देती है। इस रोबोटिक मशीन में लगे कैमरा सिस्टम और सेंसर की मदद से ये मशीन दीवारों और छतों का क्षेत्रफल ले लेती है और फिर उसी के अनुसार पेंटिंग का पूरा काम खत्म करती है। कर्व्ड रोलर। सड़क के किनारे कर्व्ड सतह बनाना हो या नहर के सतह पर सीमेंटिंग का काम करना हो, ऐसे में ये कर्व्ड रोलर बहुत काम की मशीन है। ये मशीन कंक्रीट के मसाले को जमीन पर तिरछे ढंग से पोत देती है, जिसके कारण सतह को मजदूरों का प्रयोग करके तिरछा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कर्व्ड रोलर जमीन को तिरछा बनाने का काम बहुत तेजी से पूरा करती है। वीडियो में दिखाए गए कंस्ट्रक्शन के आधुनिक मशीनों और तकनीक को देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।